रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आज आज जो है सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस क्लास को गुरदीप जी की प्रॉब्लम से। गुरदीप जी का प्रॉब्लम है कि इनको चाहिए एक टॉपिक रिपीट करना चाहते हैं कि मेरे पास दो एरिया है और इन दोनों एरिया पे मैं अलग अलग पास पर लगाना चाहता हूँ, राइट सर? जी सर। तो कैसे मतलब वर्क करेगा? तो ये चीज आपको होम मेनू बार में नहीं, ये चीज आपको रिव्यू मेनू बार में मिलेगा जिसका नाम है अलाउ एडिट रेंज। पहले इसको बोला जाता था अलाउ एडिट यूजर रेंज, बट अब हो गया अलाउ एडिट रेंज। इस पे क्लिक करके न्यू पे जाना होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर नाम देना है तो नाम दे दीजिए, नहीं तो रेंज वन रेंज टू भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया सेलेक्ट कर लीजिए जो एरिया आपको लेना है, पासवर्ड दे दीजिए एंड पासवर्ड को कन्फर्म कर दीजिए एंड ओके। फिर वापस न्यू पे आइए और यहाँ पे दूसरे जो एरिया है वो एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे दूसरा पासवर्ड रखिए, ठीक है ना? अब ध्यान रखिएगा, अब तीसरा चौथा पांचवा जरूरी कि दो ही हो, इसमें कई सारे चीजें भी ऐड कर सकते हैं, तीसरा चौथा पांचवा दसवा इस तरह से ऐड कर सकते हैं एंड अप्लाई देन ओके। बट ये वर्क नहीं कर रहेगा। कब वर्क करेगा? जब आप सीट को प्रोटेक्ट करेंगे। सीट को जैसे ही आप इसको प्रोटेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे इस पे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड कंफर्म कीजिए तो आपको सिर्फ इस एरिया पे काम करने देगा। यहाँ तो काम कर ही नहीं सकते हैं और यहाँ जैसे ही काम करने के लिए जाएंगे ये अगेन आपसे पासवर्ड पूछेगा। अब इसमें आपने मिस्टर ए का पासवर्ड डाल दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं लेगा, इसमें मिस्टर बी का पासवर्ड चाहिए, जो रेंज टू का पासवर्ड चाहिए। ये बहुत फायदेमंद चीज है सर। क्या था कि हम कलेक्शंस में काम करते थे सिटी फाइनेंशियल के लिए, तो मेरा जो काम था वो काम था कोऑर्डिनेशन का काम था, पूरा कैश का ट्रैकिंग और कैश का पूरा कोऑर्डिनेशन करते थे कितना कलेक्ट हुआ, लोन की रिकवरी होती थी। तो उसका प्रोसेस होता था कि पहले आती थी डम फाइल, डम फाइल मतलब कि जो चेक बाउंस हुए हैं उनकी लिस्ट आती थी बकेट वाइज, फिर वो बकेट वाइज अलग अलग टीम्स को एलोकेट हो जाती थी कि किस टीम को कितना करना है। उसके बाद क्या होता था कि टेलीकॉलर कॉल करते थे कि सर पैसा देना है आपको, कस्टमर बोलता था ठीक है 5 तारीख को भेज दीजिए। अब वो लिस्ट आती थी फिल टीम के पास, फिल टीम क्या करती थी कि उस पर डेट डालती थी कि हाँ बंदे असाइन करती थी, बंदा जाता था कैश लेता था और फिर वो मेरे पास आता था, कैश डिपॉजिट होता था, मैं उसके अकाउंट में भेजता था और पूरा ट्रैकिंग करता था कि टेलीकॉलर ने जितना जितना लीड दिया और कस्टमर इसने फिर उसकी टीम ने कितना कलेक्ट किया और कितना कैश जमा हुआ। जैसे मान लीजिए कि 5 लाख रुपए का कलेक्शंस प्रोड्यूस किया कि टेलीकॉलर टीम ने और 5 लाख उन्होंने कलेक्ट कर लिया फिर उसकी टीम ने और 5 लाख उन्होंने सबमिट कर लिया कैश, तो मैच होना चाहिए था। लेकिन होता क्या था कि फिल टीम देखता था कि भाई मुझे इस नॉर्थ में जाना है, नॉर्थ में सिर्फ एक ही कस्टमर है और फिर वो देखता था कल परसों जो है नॉर्थ में 5 कस्टमर है, तो वो क्या करता था कस्टमर से बात करता था, सर मैं आज भी आऊँगा परसों आऊँगा, ठीक है, और फिर वो परसों जाता था। अब ये इन्फॉर्मेशन टेलीकॉल टीम की नहीं देता था और ऑटोमेटिक वो डेट चेंज कर देता था। अब टेलीकॉलिंग टीम जो मुझे डेटा भेजती थी उसमें पता चलता था कि आज इस बंदे से कस्टमर कलेक्ट करना है और फील्ड टीम बोलता था कि नहीं आज से नहीं देना है, तो इससे मिसमैच हो जाती थी। जबकि रूल कहता है कि नहीं, अगर कस्टमर ने प्रॉमिस किया है, कस्टमर बुला रहा है, आपको उसी दिन जाना है, आपको अपने सॉलिड से डेट चेंज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कल के डेट में उसके पास पैसे खर्च हो जाए, इमरजेंसी हो जाए और पैसा ना दे पाए। तो मुझे क्या होता था कि तीनों फाइल को दोबारा रिकंसलेशन करके रिकॉन करना पड़ता था और दोबारा मैच करके फिर एग्जैक्ट फिगर निकालनी पड़ती थी। तो मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, एक मास्टर फाइल बनाई, हमने बोला कि एक ही फाइल सब जगह घूमेगी। तो एक ही फाइल मैंने लिया और उस फाइल को टीम जो फील्ड टीम का जो कॉलम था जहां पे डेट और अमाउंट डालते थे उनका, टेलीकॉलिंग का जो फील्ड था वो, कैश टीम का जो फील्ड था वो हमने अलग अलग पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया। भैया टेलीकॉलम टीम जो है दूसरे फील्ड टीम की डेटा को कॉलम को छू नहीं सकती और फील्ड टीम जो है टेलीकॉलिंग की डेटा को छू नहीं सकती
और ऑल्सो कैश बोला इन दोनों का डेटा कुछ हो नहीं सकता, ताकि मुझे एग्जैक्ट डेट पता चल जाए और हम इस पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इस उस केस में हमने इस मेथड का यूज किया था कि हमने तीनों टीम को अलग अलग पासवर्ड दे दिए थे उनके कॉलम्स के। अब मैंने उनको बता दिया था कि अगर आप लोगों ने पासवर्ड शेयर किया, डेटा आपस में चेंज हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इससे क्या हुआ था, हमारा 2-3 घंटे का टाइम बच गया था जो रिकंसिलेशन का होता था, जो मिसमैच होता था वो टाइम मैच हो गया था। और कस्टमर ने जिस दिन बोला उस दिन बंदा पहुंचता था, डेट चेंज नहीं होते थे क्योंकि फिर टीम डेट चेंज कर ही नहीं सकती थी। ठीक है सर जी सर। तो ये बहुत, देखिए कोई भी टॉपिक आप परफेक्टली से नहीं होता है, बट उसका यूटिलाइजेशन पर हम समझ आना चाहिए। आपको जो स्टोरी बताई ताकि आप समझ सके कि इसको हमने यूटिलाइज कहाँ किया था और उस यूटिलाइज करने से क्या बेनिफिट हुआ था।